कपास के पत्तों का जरासीमी झुलसाओ। इस बीमारी की वजह से कपास के पत्तों पर भूरे नोकदार और नमदार धब्बे बन जाते हैं। ज़्यादा हमले की सूरत में टहनियों पर भी बीमारी का असर होता है और तने पर इन निशानात की वजह से एक स्याह दायरा बन जाता है और बाज़ औकात पूरा पौधा मुरझा जाता है। कपास के टीले इस बीमारी से मुतासिर होने के बाद गलना शुरू हो जाते हैं और बीमार फसल से हासिल करदा बीज काश्त करने की वजह से भी नई फसल में कपास के पत्तों का जरासीमी झुलसाओ आ जाता है। इसी तरह गुज़िश्ता फसल के बीमार हिस्से जो खेतों में पड़े रह जाते हैं बीमारी लगने का सबब बनते हैं, क्योंकि बारिश से ये जरासीम बीमार हिस्सों से नई फसल को मुतासिर करते हैं। रोकथाम। बीमार फसल जब काट ली जाए तो पहली बारिश के बाद वत्तर आने पर मट्टी पलटने वाला हल चलाकर फसल की बाकियात को ज़मीन में गहरा दबा दें। बीमारी से पाक और तंदुरुस्त बीज इस्तेमाल करें और बीज को गंधक के तेजाब से साफ करने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली इकसाम काश्त करें। कपास के पत्तों के जरासीमी झुलसाओ के कीमियाई इंसदाद के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या टेट्रासाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें।